हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं और लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे और आप लोग उसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो किसी भी तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा देंगे, इसीलिए आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल देता हूँ कभी कभी नोटिफिकेशन जो प्राइवेट से रिलेटेड रहती है और जो नियरेस्ट बाय इंटरव्यू रहता है, तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देता हूँ। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके नियरेस्ट लोकेशन पे अगर इंटरव्यू होता है तो आप लोग वहाँ पर जा करके दे सकते हैं इंटरव्यू और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो भी है जॉब वो सब बताते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, तो हम बिना देर किए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या क्या है, पूरे लास्ट तक दिखाएंगे। तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए और पूरे अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है हम आपको दिखाते हैं, ये ऑफिसर के लिए रैंक का है, किसका है निकला हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के लिए जो निकली हुई है वैकेंसी, वो 9 फरवरी 2022 को पब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर सम ऑफ इट्स प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी लोग अप्लाई करेंगे इस चीज़ का जरूर है कि सभी लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कम ही लोगों को निकलता है। द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर ऑल द पोस्ट इज 23 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, वेडनेसडे तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप के लिए जो है वर्क लोकेशन रहेगी, जिसका पोस्ट कोड जो है 220102 के लिए। ठीक है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरे हाईलाइटेड के साथ बताते रहे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो पोस्ट नेम रहेगा प्रोजेक्ट एसोसिएट थर्ड के लिए, जिसके लिए दो पोस्ट निकली हुई है, उसकी सैलरी जो रहेगी 35,000 प्लस में एचआरए रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है। इसमें जो कैटेगरी जो है OL, BB और LBHS वाले, ये जो है कैटेगरी है डिसेबल के लिए। ठीक है, तो डिसेबल अगर है तो आप लोग इसमें टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ग्रेजुएट इन नेचुरल साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन साइंस, लाइफ साइंस विथ मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क देख सकते हैं इसमें क्या है, असिस्ट साइंटिस्ट इन कंडक्टिंग इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी सर्वेज एंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस इन कोस्टल एंड मैरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम आपको डिटेल्स इसलिए दिखा रहे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं आपको पूरे कोशिश करूँगा बताने के लिए। डाटा एनालिस्ट आना चाहिए, ये सब सारी चीज़ होना चाहिए। उसके बाद जो है डिजायरेबल PhD वाले भी कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। उसके बाद वर्क लोकेशन चेन्नई के लिए जो है पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क लोकेशन चेन्नई के लिए जो निकला हुआ है इसमें देखिए, प्रोजेक्ट असिस्ट साइंटिस्ट थर्ड के लिए जो है दो पोस्ट है, उसमें जो है साइंटिस्ट के लिए जो है आपका जो मंथली रहेगा वो 67,000 रहेगा, प्लस में HRA रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 ईयर्स रखी गई है। ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप के लिए भी पोस्ट है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस विथ मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका नेचर ऑफ वर्क जो रहेगा, असिस्ट साइंटिस्ट इन असेसमेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन मैरीन एंड अदर नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है अगर आपका थर्ड नंबर में जो है देखिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू के लिए जो है दो पोस्ट है, उसके लिए जो है 53,000 प्लस में HRA मिलेगा, जिसकी एज लिमिट जो है 50 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। ठीक है, तो आपका जो भी है उसमें आपका पूरा चीज़ दिखाया गया है, तो इसीलिए आप लोग सर पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हम पूरा एक एक स्टेप को बता सके और एक एक चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सके, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू के लिए था, इसमें भी जो है आपका एनवायरमेंट साइंस मैरीन से डिग्री होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू के लिए दो पोस्ट है, जिसके लिए जो है सेम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें है जियो फार्मेसिस्ट, जियो साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, कोस्टल मैनेजमेंट, इस सबसे किए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, या नहीं तो अगर आपका PhD है तो PhD वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट वन के लिए जो है
तीन पोस्ट निकाली गई जिसकी सैलरी जो है 45,000 प्लस में एचआरए मिलेगा और 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। और इसका ओए एचएल ये सब सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ का आप लोग को मिलता है तो आप लोग उसमें अप्लाई करके कर सकते हैं कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें फर्स्ट क्लास जो है ग्रेजुएट मांगा गया है, किसमें मांगा गया है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी बोटनी और मैरीन साइंस के लिए मांगा गया है। लाइफ साइंस विथ मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसके लिए आप लोगों को करना होगा, ठीक है। उसके बाद PhD मांगा गया है, डिजायरेबल है, ठीक। एक्सपीरियंस इन फ्रेश वाटर कोस्टल एंड मैरीन इकोलॉजी के लिए आपके पास होना चाहिए। साइंटिस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो है कहाँ के लिए है, तो ये भी सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है वन पोस्ट है, उसके बाद 45,000 प्लस में एचआरए है, 50 ईयर्स वह एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें जो है आपको जो ग्रेजुएट होना चाहिए मैरीन बायोलॉजी में, मैरीन साइंस में, इस सब में होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो है 45,000 प्लस में एचआरए होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। इसी तरह से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए भी है, इसमें बहुत सारा है OBC के लिए निकला हुआ है, तो इसका सारा चीज़ आप लोग देखते रहिएगा ताकि आप लोग को पता लगे। उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो कोड दिया गया, कोड सबको जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लोकेशन भी अलग रहता है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे देखिए, तो ये रिजर्व OBC ये सब जो रखी रहती है उस पर सीट दी गई है, तो आप लोग उसको देखते हुए भरिएगा। देखिए जैसे इसमें OBC के लिए है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो है OBC के लिए है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी को देखते हुए आप लोग भरिएगा फॉर्म, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद साइंटिस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए OBC के लिए ही है ये भी पोस्ट, और ये भी है अनरिजर्व और OBC दोनों के लिए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो है दो पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी सारा चीज़ आपको हम पूरे फॉर्म फिलअप करके भी अप्लाई करके बताएंगे। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट SC के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट वाले इसमें भर सकते हैं, कोड नंबर 22014 है, ठीक है। तो वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सेंसिलियर। उसके बाद अनरिजर्व साइंटिस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए जो है 22011115 वाले कोड भरेंगे, और उसमें जो है सैलरी 45,000 प्लस में HRA मिलेगी। तो ये सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम दिखाते हैं प्रोजेक्ट साइंस एसोसिएट थर्ड के लिए जो है दो पोस्ट निकाली गई है, वन अनरिजर्व के लिए है, वन शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसके लिए जो सैलरी जो रहेगी 35,000 प्लस में HRA रहेगी। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 45 ईयर्स है, जिसके लिए जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए मैरीन बायोलॉजी, मैरीन साइंस, लाइफ साइंस, इस सब में होना चाहिए, प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए थर्ड के लिए जो है वन पोस्ट निकली हुई है अनरिजर्व के लिए, जो कि 35,000 प्लस में HRA है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम ही रखी गई है, ठीक है। डिजायरेबल भी रखी गई है, तो उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे एसोसिएट थ्री के लिए भी वन है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, उसके बाद अनरिजर्व के लिए है, तो ये कौन सा पोस्ट के लिए है, एसोसिएट थर्ड के लिए है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एसोसिएट थर्ड के लिए है, जो कि हम आपको डायरेक्ट आप पोस्ट के बारे में नहीं बताते हुए हम आपको फॉर्म के बारे में बताएंगे। जो भी लगेगा कि नया है तो हम उसके बारे में बताएंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए ये है। उसके बाद जो ग्रेजुएट एनवायरनमेंट साइंस वाले भी भर सकते हैं थर्ड वाले, ठीक है। थर्ड एसोसिएट थर्ड के लिए है। देखिए कितने सारे पोस्ट है एसोसिएट थर्ड के लिए। जो भी लोग है कोड जरूर भरिएगा, कोड के हिसाब से ही आपका भरना है फॉर्म, नहीं तो आपका सिलेक्शन बहुत कम ही होने की संभावना आती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी कहते हैं कि आपको देखने के लिए, तो ये जो हम नोटिफिकेशन आपको दे देंगे वहाँ से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 31st नंबर जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट थर्ड के लिए एक पोस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो बहुत सारा पोस्ट है इसमें निकला हुआ, तो इसीलिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हम आपको फॉर्म फिलअप करने का भी प्रोसेस इसी वीडियो में बता देंगे, ताकि आपको पूरे प्रोसेस एक एक करके पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट थर्ड के लिए भी दिया गया दो पोस्ट है, जिनके अनरिजर्व के लिए वन है, 35,000 सैलरी है, HRA है, ये सब सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग के लिए भी आपका मांगा है। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट किसके लिए है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए जियो एनवायरनमेंट साइंस में, तो ये सब सारा चीज़ दिया गया है। देखिए इसमें भी है प्रोजेक्ट एसोसिएट थर्ड के लिए। देखिए कितना सारा पोस्ट निकला हुआ है प्रोजेक्ट एसोसिएट थर्ड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये सारा चीज़ अलग अलग इसलिए दिया है कि ताकि उनको पता लग सके कितना कितना सीट है, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग कोडिंग डाल के ही आप लोग अप्लाई करेंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब आया यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए, सॉरी यहाँ से देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए जो है यहाँ पे 29,000 है प्लस HRA है। इसमें जो है फर्स्ट क्लास जो है ग्रेजुएट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फर्स्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट टू द नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। जो नेचर दिया गया उसके वर्क के हिसाब से आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BE BTEC वाले भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। तो जो भी लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी।
उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए जो है कि 41 नंबर में प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए निकला हुआ है, जिसमें कि जो एचआरए जो है आपका 29,000 प्लस में सैलरी रहेगी, प्लस में एचआरए मिलेगी, ठीक है। 45 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है और इसमें फर्स्ट क्लास जो है आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अनरिजर्व अलग अलग पोस्ट जो दिया गया है कैटेगरी वाइज दी गई है, ठीक है। तो आप लोग जो भी कैटेगरी में हैं उस पोस्ट का कोड डालिएगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है इसीलिए, क्योंकि पोस्ट के बारे में बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको एक बता देंगे, उसके बाद हम अगले प्रोजेक्ट के लिए चले जाएंगे, देखेंगे कि अगला नोटिफिकेशन किसके लिए है, ठीक है। तो ये तो सेम है, बट OBC SC ST ऐसे करके दिया हुआ है। देखो ये अनरिजर्व के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए जो है 44 नंबर में जो है, अनरिजर्व के लिए OBC के लिए दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें जो है 45 नंबर में SC के लिए निकला हुआ है, एसोसिएट टू के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको 46 नंबर में भी दिया गया सेम है और 47 में भी सेम है। तो इसी तरह से आपको हम दिखाते रहेंगे किसमें चेंज होगा, उसमें हम बताएंगे। ये नोटिफिकेशन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से PDF से लोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे दिया गया, HRA दिया गया, टू के लिए दो पोस्ट है। उसके बाद आगे देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए यहाँ पे दो पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट वन टू के लिए वन पोस्ट है, OBC के लिए, ST के लिए है और SC के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए आया है, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है 53 नंबर में, जो कि 25,000 सैलरी रहेगी प्लस में HRA रहेगी, ये टोटल पोस्ट रहेगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको हम दिखाएंगे, तो इसमें जो दिया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट में वन में 80 के लिए दिया है, जिसके लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइफ साइंस, मेरीन साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, इन सारे चीज़ों में से प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो है 25,000 है, प्लस में HRA है, OBC के लिए है और सेम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल साइंस, वर्क विथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट से। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के 4 पोस्ट है, जो कि आपको इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फोटेक, ये सारी चीज़, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, जिसके लिए 20,000 सैलरी रहेगी प्लस में 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसके लिए जो है फर्स्ट क्लास आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए, जियो साइंस में, एनवायरनमेंट साइंस में, ये सारा चीज़ में है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद टेक्निकल इंजीनियर 4 के लिए जो है 57 नंबर में देख सकते हैं कि वन पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, जिसके लिए 53,000 प्लस में HRA है, BE BTEC मांगा गया है और मिनिमम 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है नेचर ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, और 10 ईयर्स के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्क तो देख सकते हैं, इसके बगल में दिया वर्क क्या क्या रहेगा पोस्ट आपका, टेक्निकल इंजीनियर 2 के लिए 2 पोस्ट है, उसी तरह से आपको टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए जो है 21,000 प्लस में HRA दिया गया है, BTEC BE होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो ग्रेजुएट डिग्री है 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आपको टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए 2 पोस्ट है, जिसके लिए सेम सैलरी रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन है, प्लस इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें 16,000 प्लस में HRA मिलेगी, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में है तो भर सकते हैं। इसमें डाटा वर्क जो रहेगी, डाटा कलेक्शन हैंडलिंग रहेगी और फाइल्स रहेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट के लिए 3rd के लिए जो है 45,000 प्लस में HRA है, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, इसमें जो ग्रेजुएट डिग्री विथ 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है आगे हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 4 के लिए निकला हुआ है, जो कि 21,000 प्लस में HRA है, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगी गई है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 2 के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 के लिए है। उसके बाद MTS का भी है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 3 पोस्ट है, जिसके लिए 10th पास प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। तो ये सारा चीज़ पोस्ट के बारे में था, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में आपको जितना हो सका पॉसिबिलिटी बताएं, लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि पोस्ट ही अलग अलग दे दिया है कैटेगरी वाइज, इसीलिए हम आपको बता रहे थे। आगे देख सकते हैं इसमें इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर द एवर पोजिशन इन नेशनल कै सेंटर ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में NCSCM सब्जेक्ट फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन बिलो। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन दिया गया है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आपको, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है
ऑल प्रोजेक्ट स्टाफ पोस्ट आर मीट फॉर वेरियस एक्सट्रीमली फंडेड स्पॉन्सर्ड नेटवर्क अदर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द NCSCM में आपको दिया जाएगा, बाउंड मैनर रहेगा। दिज पोस्ट आर को टर्माइनस ठीक है विथ द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ सेल इनिशियली बी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और प्रोजेक्ट पीरियड विच इज अर्लियर इट मे फर्दर बी एक्सटेंडेड। तो इसको एक्सटेंडेड किया जा सकता है एज पर द प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्पररी बेसिस रहेगी, तो आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे अप्लाई करके भी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ दिया गया, इसको पढ़िएगा, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन इसके करियर सेक्शन में जाएंगे, हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। केवल इंडियन सिटीजन ही भर सकते हैं, मिनिमम 2 ईयर 2 पोजीशन के लिए, मैक्सिमम ऑफ 2 पोजीशन के लिए भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट प्रूफ सबमिटेड एज इज सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC ST PWD। जो भी चीज़ का आप बिलोंग करते हैं वो लोग आप लोग प्रूफ डालिएगा ताकि आप लोगों को सबमिट करने में कोई दिक्कत ना हो और आपको रिलैक्सेशन मिले। टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ PWD अक्रॉस ऑल ओवर द पोस्ट ऑफ कोड इज 5। तो जो भी चीज़ दिया गया इसमें पोस्ट के फाइनल भरना है, सबमिट करना है, फाइनल सबमिट, उसके बाद आपको वेटिंग करना है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दिया गया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, 10th का फोटोग्राफ प्लस में 10th का मार्कशीट, 12th का डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डेकोरेट डिग्री, एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ फिजिकल के लिए, ये सारा चीज़ आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ डालने के बाद आप लोग को सबमिट करना है। उसके बाद HRA फॉर रेफर्स ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेज मिलेंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, वर्क लोकेशन के हिसाब से आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म टाइम टू टाइम जैसे होगा वैसे आप लोग अप्लाई करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास मीन्स इज स्पेसिफाइड इन द डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट देन 60% एंड अबव इन ऑल अवर मार्क्स एंड केस ऑफ CGPA 6.0 एंड अबव विल बी कंसिडर इन सच एज द केस ऑफ कॉपीज ऑफ मार्कशीट, ठीक है। तो आपको 60% से मार्क ज़्यादा होना चाहिए तभी आकर अप्लाई कर सकते हैं, या 6 CGPA से ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली रिलीवेंट मिलेगा अगर एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद इसमें दिया गया है डिटेल, सब सबको पढ़िएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये फोटोग्राफ का है और ये सब सारा चीज़ है, हम आपको चलिए आपको दिखाएंगे इसमें टोटल डिटेल, ठीक है। वेटेज मार्क क्या क्या रहेगा, फर्स्ट साइंटिस्ट 1, 2, 3 के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 2, 3 के लिए, रिसर्च असिस्टेंट के लिए और अदर क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया कितना मार्क्स रहेगा, ठीक है। 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आप उसके हिसाब से डालेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है डिटेल, टोटल एक्सपीरियंस कितने कितने हैं, किसके लिए है, वो सब एडिशनल मार्क्स ये सब मिलते रहेंगे आपको। उसके बाद जो है वेटेज ऑफ द पोस्ट फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए दिया गया है इसमें वेटेज, तो ये सब आपको देखिएगा कितना वेटेज मिलेगा। हम आपको पूरे डिटेल PDF जो दे देंगे वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कितना वेटेज मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब दिया गया। उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्टेड 10 एप्लीकेशन पर पोस्ट, इफ फाउंड दैट टोटल वेटेज मार्क्स ऑफ 10 एलिजिबल कैंडिडेट हैड बीन स्कोर बाय मोर देन 1 कैंडिडेट देन ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो भी चीज़ के लिए इसमें क्वालिफाई होगा उनके लिए बुलाया जाएगा 10 एप्लीकेशन के लिए। व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग 10 एप्लीकेशन पर पोस्ट एनी कैंडिडेट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड हिज हर टोटल वेटेज मार्क्स हैज बीन अमोंग टू 15th एलिजिबल एप्लीकेशन देन सच PWD कैंडिडेट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड द फर्दर प्रोसेसिंग एलॉन्ग विद द 10 एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। उसके अलावा और भी सारा चीज़ सब दिया गया है। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन पर्सनल इंटरव्यू एंड फॉर द ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर द सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, जब आप सिलेक्शन के लिए हो जाएंगे तब आपको मिलेगा ये सारा चीज़। उसके बाद ये सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद बस इतना ही था, ये सब डायरेक्टर का यहाँ पे देखिए डी दिए हुआ है। तो चलिए हम लोग अब आप अप्लाई करने के लिए प्रोसेस को जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। उसके वेबसाइट पे चलते हैं क्योंकि वो सारा चीज़ आपको प्रोसेस दिखाएंगे तभी, तब जब आपको समझ में आया है, बट आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बनिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए। ये मैं सारा आपको नोटिफिकेशन बताया हूँ ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट दिया गया है, इस पर क्लिक करते ही आप इसके वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। इसके वेबसाइट पे पहुँचिएगा, तो इसके वेबसाइट पर हम जाएंगे। देखिए वेबसाइट पर हम चले आए हैं, वेबसाइट पर देखते ही देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे हम चले आए हुए हैं। वेबसाइट पे कौन सा एडवर्टाइजमेंट के लिए किसके लिए अप्लाई करना है, डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से क्लिक करके आप लोग को अप्लाई करना है करियर सेक्शन में जाकर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर आप पहले से किए हुए हैं तो,
नहीं किए हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल दिया है, असिस्टेंट के लिए सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कीजिएगा और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक कीजिएगा, ठीक है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे कीजिएगा तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको देगा। तो इससे पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए भरेंगे फॉर्म को, एक एक प्रोसेस को, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो। तो ये वेबसाइट पर है, मेरा नाम जो भी है वो आप लोग डालेंगे अपना अपना नाम, ठीक है, और इसमें फर्स्ट नेम डालेंगे, ठीक है, और इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका डिटेल है वो चीज़ सही सही भरिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो भी चीज़ आप लोग डालिएगा आपको वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये चीज़ डाल देंगे, उसके बाद इसमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे ताकि आप लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, अब पूरे अच्छे से भर सकते। यहाँ पर सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक मेल या नहीं तो आपको डायरेक्ट ईमेल आईडी से खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बनिएगा ताकि आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी तरह का अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए मेरा जो है ये हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, चेक योर ईमेल आईडी एंड क्लिक एक्टिव एक्टिवेशन लिंक, सेंड योर ईमेल आईडी फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। तो हम अपने लिंक पर जाएंगे, ठीक है, ये आपको जीमेल आईडी पे जाना है, जीमेल पे जाकर के आपको वहाँ से ओपन करना होगा। हम पूरा टोटल एक एक प्रोसेस बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको पूरे समझ में आए, और वहाँ से एक्टिवेशन लिंक को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो भी आपका ओपन है ईमेल आईडी, वो लोग अपने लोग से अपने खुद के ईमेल आईडी पे एक्टिवेशन आईडी आती है उस पे जा कर आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन लिंक को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिवेशन के लिए, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन मेल आई डी डालेंगे, इसमें पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड है आप लोग डालेंगे, जो पासवर्ड आप बनाए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग को डालना है और यहाँ से लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही आपका ये खुल जाएगा और यहाँ पर रीड द इंस्ट्रक्शन ऑल द एडवर्टाइजमेंट दिया गया, एप्लीकेशन सबमिट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए पर्सनल डिटेल कितने हैं टोटल करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल डैशबोर्ड ये सब सारी चीज़ आपको भरना पड़ेगा टोटल। पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, रिसर्च एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, रिसर्च डिटेल्स, ये सारा चीज़ आपको डालना है। उसके बाद रेफरेंस डिटेल, उसके बाद अदर डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग पर्सनल डिटेल इसमें देखते हैं। पर्सनल डिटेल में ये सारा चीज़ आपको टोटल फिल करना होगा, देखिए टोटल चीज़ दिया गया क्या क्या चीज़ है, ठीक है, हम ये सब भरेंगे नहीं, आपको आप खुद ही भरना होगा। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल में क्या है आप वो डालेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल डिटेल में वो चीज़ डालेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ सबमिट हो सके। एक को पहले फिलअप करेंगे फिर दूसरा में जाएंगे तब होगा। उसके बाद रिसर्च एजुकेशन डिटेल डालेंगे इसमें, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल खुलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल डालेंगे इसमें, एक्सपीरियंस में आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है वो डिटेल डालेंगे। प्रोफेशनल डिटेल में क्या है प्रोफेशनल डिटेल में डालेंगे। रिसर्च डिटेल में आपके पास क्या है ये सारा चीज़ रिसर्च डिटेल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस क्या क्या देना है आपको, वो रेफरेंस के बारे में इस पर डालना होता है, मैक्सिमम टू रेफरेंस ओनली। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स, जो भी चीज़ है अदर डिटेल्स इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद आप लोग सबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। तो हम आपको इतना तक बता सकते थे कि जितना कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सारा चीज़ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। 23 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन रहता है तो career@ncscm.org पर मेल करके आप लोग टेक्निकली आप लोग हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का और भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा, बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।